केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट एक घंटे के लिए हुआ ब्लॉक। चेतावनी देकर अकाउंट फिर एक्टिव किया गया। रविशंकर प्रसाद ने सोशल नेटवर्किंग साइट कू के जरिए दी जानकारी। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कार्रवाई स्वतंत्र विचारों का उल्लंघन। ट्विटर को अपना एजेंडा चलाने में रुचि। ट्विटर को भारत में कानून मान्य होंगे। रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक करने के मामले में ट्विटर की सफाई। कहा, एक कॉपीराइट यूजर ने की थी कानून मंत्री के खिलाफ शिकायत। ट्वीट डिलीट करने के बाद एक्टिव किया गया अकाउंट। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी अकाउंट ट्विटर किया था लॉक। थरूर ने ट्वीट करके दी जानकारी। ट्विटर इंडिया से जवाब मांगेगी संसद की आईटी मामलों की समिति। भारतीय सेना की रॉकेट पावर का एक और धमाका। ओडिशा के चांदीपुरी रेंज से पिनाकर रॉकेट के आधुनिक संस्करण का डीआरडीओ ने किया सफल परीक्षण। 27 जून को दो दिवसीय दौरे पर लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेना प्रमुख नरवणे के साथ एलएसी पर सुरक्षा हालातों का लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर की शौपिया में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में लश्कर का एक आतंकी ढेर, दूसरे ने किया सरेंडर। AK-56 राइफल बरामद। FATF की बैठक में पाकिस्तान पर बड़ा फैसला। ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान। टेरर फंडिंग रोकने में रहा नाकाम। 3 साल से FATF की ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान। FATF की अगली बैठक तक पाकिस्तान को पूरी करनी होंगी सभी शर्तें। SBI ने बेचे भगोड़े विजय माल्या की कंपनी के शेयर। कर्ज वसूली के लिए SBI ने की कार्रवाई। यूनाइटेड ब्रेवरेज लिमिटेड के शेयर से 5,824 करोड़ की वसूली। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण में ISI कनेक्शन आया सामने। उमर के खाते में विदेशों से भी आया पैसा। आतंकी कनेक्शन की भी हो सकती है जांच। धर्म परिवर्तन मामले में हाफिज कनेक्शन। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हाफिज के एनजीओ से की गई फंडिंग। एनजीओ के जरिए गल्फ देशों से भेजे गए पैसे। धर्म परिवर्तन मामले में पूछताछ में IDF नाम के संगठन का आया नाम सामने। इंडोनेशिया से मिलते थे आरोपियों को निर्देश। धर्मांतरण कराने वाले उमर गौतम पर खुलासा। छात्रों के बाद शिक्षकों को मुस्लिम बनाने की थी साजिश। फतेहपुर की टीचर को धर्मांतरण का दिया था प्रलोभन। धर्मांतरण के मामले पर बोले यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना, प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन पूरी तरह गलत। आरोपियों पर होगी कार्रवाई। 26 जून को बंद रहे दिल्ली मेट्रो के 3 स्टेशन सुरक्षा कारणों की वजह से DMRC ने फैसला लिया। किसान आंदोलन पर जी हिंदुस्तान से बोले राकेश टिकैत, हर छुट्टी के दिन जाएंगे दिल्ली वालों के लिए लाएंगे फल और सब्जी। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को धमकी। कहा, 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख लोग दिल्ली आने को तैयार। इस बार बिना बताए दिल्ली जाएंगे ट्रैक्टर। कोरोना पीड़ितों को केंद्र सरकार की बड़ी राहत। इलाज पर होने वाले खर्च पर नहीं देना होगा टैक्स। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। कोविड इलाज में मदद देने वालों को भी मिलेगी टैक्स में छूट। कंपनी का कर्मचारियों के इलाज पर किया गया खर्च भी टैक्स फ्री। दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की। ऑक्सीजन ऑडिट टीम की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को 300 मीट्रिक टन की जरूरत, लेकिन 1200 मीट्रिक टन की मांग के चलते 12 राज्यों को दिक्कत का करना पड़ा सामना। ऑडिट रिपोर्ट पर बोले केजरीवाल, मेरा गुनाह, मैं 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप रैली कर रहे थे तब मैं जान बचा रहा था। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट पर दिल्ली के डिप्टी सीएम की सफाई। बोले, ऑडिट रिपोर्ट आना अभी बाकी, बीजेपी झूठ बोल रही है। डिप्टी सीएम सिसोदिया बोले, पीएम मोदी अपनी पार्टी को संभाले, बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी हो रही है। ऑडिट रिपोर्ट पर बीजेपी हुई हमलावर। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बोले, पीक के दौरान सीएम केजरीवाल ने ऑक्सीजन पर झूठ बोला और राजनीति की। बीजेपी ने कहा, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया जघन्य अपराध। पूरे देश में पैनिक का माहौल बनाया। वैक्सीनेशन पर भी केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। डेल्टा वेरियंट पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार से सवाल। पूछा, देश में जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी जारी। पिछले 24 घंटे में 51,667 लोग हुए कोरोना संक्रमित। एक दिन में 1,329 मरीजों की मौत भी हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 115 नए केसेस, 4 लोगों की हुई मौत, 198 लोग अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। कोरोना को बीमारी नहीं बताने वाले SP सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लगवाई वैक्सीन। लोगों से भी की टीकाकरण की अपील। कहा था, अल्लाह के सामने रोने से खत्म होगा कोरोना। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख पर कसा शिकंजा। नागपुर में देशमुख के घर पर हुई ईडी की छापेमारी। ईडी की कार्रवाई पर अनिल देशमुख का बयान। बोले, परमवीर सिंह ने पद से हटने के बाद मेरे ऊपर लगाया आरोप। मेरे ऊपर लगे सभी आरोप झूठे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के घर छापेमारी का विरोध भी। नागपुर में NCP के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई पर बोले शरद पवार, अनिल देशमुख पर ईडी की छापेमारी कोई नई बात नहीं, राजनीति के तहत हो रही है कार्रवाई। एक्ट्रेस पायल रोहतगी को मिली जमानत। अहमदाबाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार। सोसाइटी में झगड़े और चेयरमैन को धमकी देने का आरोप। सुशील कुमार को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में किया गया शिफ्ट। सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद है सुशील पहलवान।
मंडोला जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने के दौरान सुशील कुमार की पुलिसकर्मियों के साथ फोटो वायरल, पुलिसकर्मी सुशील के साथ फोटो खिंचवाते हुए आए नजर। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने की अगवानी। योगी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, प्रदेश में जगह जगह पुल और सड़क विस्तारीकरण पर लगी मुहर। अयोध्या के विकास के लिए संभावित विजन डॉक्यूमेंट तैयार, पीएम मोदी के सामने पेश होगा विजन डॉक्यूमेंट, 4 लाख रोजगार और 8 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां देने की तैयारी। यूपी के बरेली में मास्क न लगवाने पर हुआ विवाद, बैंक के गार्ड ने रेलवे के कर्मचारी को मारी गोली, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी में एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विवादित बयान, बोले कितने बच्चे पैदा होंगे ये कुदरत के हाथ में नहीं जा सकते, कुदरत के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में युवक की बेरहमी से पिटाई, मामूली विवाद में युवक को बुरी तरह पीटा, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन पेशी के दौरान माफिया मुख्तार के डिमांड, जज के सामने बोला जेल में न्यूज देखने के लिए चाहिए टीवी, सुविधाएं नहीं मिलने से हो रही है परेशानी। बेंगलुरु में गुरुवार सुबह हुई पूर्व महिला वार्ड पार्षद की हत्या का मोबाइल फुटेज आया सामने, दो लोगों ने चाकू से गोद करके हत्या, वीडियो के आधार पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जंग का अखाड़ा बना नगर पालिका परिसर, टेंडर प्रक्रिया को लेकर अध्यक्ष पति और नेता प्रतिपक्ष में झूतम पैजार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की नीतीश सरकार पर भविष्यवाणी, कहा 3 महीने में गिर जाएगा सरकार, जनता को परेशान होने की नहीं है जरूरत। बिहार के वैशाली में तेजस्वी यादव का विरोध, काफिले को ग्रामीणों ने दिखाए काले झंडे, कोरोना काल में लापता रहने का लगाया आरोप।